सो एज यू कैन सी यहाँ पे जो पैर के निशान दिख रहे हैं आपको, ऐसा लिखा हुआ है कि बोलते हैं ऐसी मान्यता है कि भीम और हडिम्बा के पैर होने की मान्यता है। तो ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हो, या 14 या 15वीं सदी का मंदिर है, इतना पुराना है, शंकर देव का मंदिर है। आओ चल अंदर से देखते हैं कैसा लगता है। ट्रिप की शुरुआत कुछ ऐसे होते हुए, करण अपनी हरकतें बताना चाहेंगे। कल रात को हवा भर रही थी, अभी आवाज़ नहीं आएगी, रहने दे भाई। और अभी ये हालत है, ट्रिप की शुरुआत बहुत ही अच्छी जा रही है। और हमारी गाड़ी कुछ बीच रास्ते में ऐसे खड़ी है और ये भी काम नहीं कर रहा अभी काम। अभी अंजलि कर रही है, यहाँ पे हवा भर रही है। अंजलि थोड़ी सी मैकेनिक टाइप लग रही है, मैकेनिक सेक्सी हॉट मैकेनिक लग रही है। यो व्हाट्सएप व्हाट्सएप क्या हो गया इतना लेट? अरे कुछ नहीं, वो पिछले वाले टायर में ना हवा चली गई थी और कोई हवा वाला मिल नहीं रहा था, तो फिर मैंने हवा भरी। तो मतलब पहुंच तो जाएंगे पहुंच तो जाएंगे। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसे करण करता है वैसे मैं उसकी कॉपी कर रही हूँ थोड़ी सी। तो हमारी आज की ट्रिप स्टार्ट हो चुकी है। तो करण ने मेरा फ्लो बिगाड़ दिया है। तो हम कहाँ जा रहे हैं करण? अरे मुझे नहीं पता, करण 3 दिन से मुझे बताने की ट्राई कर रहा है बट मुझे नाम याद ही नहीं हो रहा। कुछ डैम जा रहे हैं शायद हम ना। करण कौन से डैम जा रहे हैं? नाश्ता करने के लिए नाश्ता है वो हम लोग घर से लेके आए, तो नाश्ता करते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। अभी कोरोना का सीन है इसलिए इतना हम लोग बाहर से खा नहीं रहे, तो घर से पोहा बना के लेके आए। और अच्छे वो होटल वाले जो अंकल है वो बहुत अच्छे बोल रहे हैं कि हाँ आपने नाश्ता लेके आओ और चाय यहाँ पे पी लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्योंकि काफ़ी जगहों पर ऐसा होता है कि वो लोग मना कर देते कि बोलते नहीं भाई हम बैठने नहीं देंगे, आप यहाँ पर नाश्ता कर रहे हो तो ही बैठने देंगे। तो वो हिसाब से काफ़ी अच्छा है। और हमारी चाय आ गई। एक बहुत ही वियर्ड चीज हुई है अभी तो हम 1 घंटे से ऐसे रास्ते पे गाड़ी चला रहे हैं और हम सोच रहे हैं कि हम शायद से जो डेस्टिनेशन आने वाला है, लेकिन अभी हमको पता लगा है कि गूगल में एक ऑप्शन होता है नो टोल का। तो ये हमें नो टोल के चक्कर में ऐसे एक रास्ते इस ऐसे ना सीधे रास्ते की बजाय पूरा एक घुमा के लेके आ रहा है। नहीं, इन शॉर्ट ऐसा है कि जहाँ पे भैंस चलती है ना वहाँ पे भी हम चल रहे हैं वही ऐसा हो रहा है। शॉर्टी भी नहीं कि रास्ता कहीं मिलेगा जाएगी नहीं अभी इतना रास्ता है कि सिर्फ एक कार ही निकल सकते, अगर सामने से दूसरी कार आ गई तो दोनों रिवर्स में घुसाएंगे। और लोग हमको यहाँ बहुत अजीब तरीके से देख रहे हैं। तो ये देखो अभी हम हाईवे पहुंच गए हैं। वो टोल है उससे आगे हमने लेफ्ट लिया, नीचे आए और पूरा टोल से घूमते घूमते ऐसे रास्ते से बाहर आए। तो मैंने टोल बताने के लिए टोल की जगह हमने उतना पेट्रोल लगा दिया। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम टोल भर पाए, इसीलिए हम घूम के आए। लेकिन अभी अपने जाएंगे वापस तो टोल देना पड़ेगा हम दोनों टाइम का। अरे वो तो देख लेंगे, मुझे क्या पता टोल है भी या नहीं भी है, यहीं से चल जाएंगे वापस। पूरा सा आधा घंटा ऐसा डिटोर लेके हम लोग कालेश्वरी टेम्पल। तो अभी चलते हैं अंदर, यहाँ पे आप ऐसे शेड में पार्क कर सकते हो। चलो फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर अंदर चलो। ये कालेश्वरी जो टेंपल है बहुत सालों पुराना टेंपल है, अभी उसके रुइंस ही बचे हैं, टेंपल नहीं है कोई टाइप का, उसके रुइंस है। तो हम वो ही आपको दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें।
और आज सैटरडे और छुट्टी, इसलिए काफ़ी सारे लोग भी हैं यहाँ पे। हम जब एंटर किए थे तब 3-4 लोग दिखे थे, बट बहुत सारे लोग हैं। और मम्मी क्या कूदने की तैयारी कर रही हो? मम्मी जाते होंगे ना नीचे, तो फिर ये ऊपर सीढ़ियों से आते होंगे। देखिए सीढ़ियाँ बनी है नीचे ना, ये देख, ये इसीलिए बनी हुई है शायद ना, ऊपर चढ़ने के लिए है ना। अगर आप कुआं पूरा देखना चाहते हैं तो नीचे तक जाइए। मम्मी हमारे व्लॉग में गाइड बनते हुए आप नीचे जाके एक बार दिखाई दो। मैं तो चल ही जाऊंगी ना। ओके, तो आए थे हम लोग नीचे कुआं देखने और ऐसा कुछ सीन है इतना भाई ऊपर है। और ये जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मस्त है, और सीढ़ियाँ यहाँ से जो नीचे आप आ सकते हो, और ऊपर ना बीच बीच में ऐसे बने हुए हैं। और ये कुआं है जो पुराने ज़माने में पानी के लिए यूज़ होता था। स्टेप्स भी काफ़ी अच्छे बनाए हुए हैं। मुझे देख, आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। हाँ तो बिठा लेना गाड़ी में पीछे से। दूध देगी हमको ये? क्या बकरी? हाँ देगी ना। तो बकरी का दूध बेचेंगे फिर? क्या कंपनी छोड़ के दूध बेचना? नहीं नहीं, साइड बिजनेस। साइड बिजनेस करना है, ठीक है। ये जो मंदिर है वो 1550 में बनाया था, जहाँ पे मैंने अभी आप वो शॉट लिया उसमें आपने पढ़ लिया होगा। नहीं, और जब ये मंदिर बन रहा तो कर में ही खड़ा हुआ था। मुझे ऐसे बोल रहे थे जैसे कि मंदिर 15 मैंने बोला तू वहाँ ही खड़ा था ना मंदिर बन रहा, वहाँ पे लिखा था, मैंने उसका शॉट लिया वहाँ पे लिखा हुआ था। और ना कुछ है नहीं, बस फोटो खींचवानी, रील्स बनाना, यही इस ये जनरेशन का यही प्रॉब्लम है। तो तू किसका है? ये जनरेशन का यही प्रॉब्लम है। देख थोड़ी फोटो ले ले, कर रही है ये ढोंग कर रही है फोटो लेने के लिए। अच्छे से तूने मांग लिया होता ना तो। और इस मंदिर के सामने दूसरा भी एक मंदिर है। ये शंकर भगवान का मंदिर है। जो शिव की पूजा करता था ना वो मंदिर। अच्छा, उन्होंने ही बनवाया था? हाँ, उन्होंने ही बनवाया। कृष्ण और पांडव था। हाँ, तो कृष्ण तो था। हाँ हाँ हाँ। तो अच्छा, तब उसके टाइम का बना। अरे ये देखो क्या इतने मस्त लग रहे हैं फूल। हाँ यार, प्लेस काफी अच्छी नहीं लग रही? ओपन है, मस्त है। हाँ रूइंस बढ़िया है। अब इसके पीछे से यहाँ से रास्ता निकलता है, आगे की ओर जाता है, पता नहीं किस तरह जाता है, थोड़ा आगे देख के देखते हैं। ये चढ़ के मुझे टॉड रॉक याद आ गया, सीरियसली माउंट आबू का। बहुत मस्त है यार व्यू। A few inches later, तो मैं यहाँ पे बैठ गया, आशु ऊपर वहाँ पे खड़ा है, और ये दोनों अभी बस चलना शुरू किया, बैठ गए थे ये भी। अरे आधे में हो गए। अरे हम बैठे भी नहीं एक भी। और झूठ मत बोल, हम बैठे नहीं। झूठ मत बोल। A few moments later, देखो बोला था ना बैठ गए, बैठ गए देखो। हाँ पहले झूठ बोला था, अभी बैठ गए। मम्मी गोदी उठा रहा है जैसे बचपन में उठाती थी। शादी कर दो फिर स्त्रियां लड़कियां पराये हो जाती है मम्मी। उठा ले गोदी मेरे को। क्यों पर? पति उठाता है गोदी।
क्यों माँ गया छोड़ देती थे बच्चों को माँ से खुद चला माँ को ढूंढ रही है मुझे कौन उठाएगा मेरे उठाने वाले जामनगर बैठे हैं एक ही चीज़ यहाँ पे अच्छी है धूप नहीं है और हवा चल रही है वरना मुझे लगता है हमारा भी मंदिर बन जाता है यहाँ पे चार लोग आए थे गांधीनगर से ब्लॉक करने मंदिर बना के हाँ उनका मंदिर देखिए हाँ और हमारे मंदिर में आगे कैमरा रखा होता ब्लॉक का हाँ भगवान पहुँच गए और ऐसा कुछ है यहाँ पे पता नहीं है मंदिर है या क्या है मंदिर है ये हिडिंबा के पैर है भीम के पैर कुछ है तो ये जो मंदिर आप मेरे पीछे देख रहे हो या 14 या 15वीं सदी का मंदिर है इतना पुराना है शंकर देव का मंदिर है आओ चल अंदर से देखते हैं कैसा लगता है और मंदिर के सामने जो एग्जिट व्यू है ना बहुत ही मस्त है आई डोंट नो आपको कैमरे में दिख रहा है या नहीं दिख रहा बट बहुत ही अच्छा व्यू है और दूसरा क्या है कि पूरे ऊपर बादल है तो व्यू जो है वो और भी अच्छा आ रहा है उसके साथ साथ सामने कुछ है या भीम के पैर है क्या है निशान है वो देखते हैं वहाँ जाके तो एज यू कैन सी यहाँ पे जो पैर के निशान दिख रहे हैं आपको ऐसा लिखा हुआ है कि बोलते हैं ऐसी मान्यता है कि भीम और हिडिंबा के पैर होने की मान्यता है तो सामने की तरफ जो दिख रहा है वो यही है और ऐसा भी लिखा है कि तीन दरवाजे वाला ये मंदिर था तो 1, 2 और ये 3 इसीलिए इसको टेम्पल विथ 3 doors भी बोला जाता है और ये जो लास्ट साइट है उसका नीचे का ही पार्ट है वो मिल रहा है और ये आपको जो दो पैर वाली चीज़ें दिख रही है पैर के आकार की वैसा माना जाता है भीम और हिडिंबा के जो पैर है उनके आकार की है ऐसा माना जाता है प्रूव हुआ या नहीं पता नहीं वहाँ पे तो ऐसा लिखा था मैंने आपको बता दिया सो डोंट कोट मी ऑन दिस बट या भीम और हिडिंबा के पैर है अंजलि जी कुछ अपनी मान्यता बताना चाहती है बताओ नहीं, मतलब मैं बोल रही हूँ कि ये हिडिंबा के पैर होंगे भीम के पैर उसने कुछ यहाँ पर लोहे का पहनते थे ना जो मतलब उस टाइम पे राक्षस वगैरह वो उसने पहना होगा आई गेस सो तो यहाँ पे लिख देना भाई अंजलि का अरे लेकिन उसने लिखा है ना कि वहाँ पर हिडिंबा और भीम दोनों के पैर हैं इसलिए ये किस लिए बनाते हैं बताना फिर से इच्छा पूरी हो जाए क्या ऐसे ले? हाँ 5 कुछ पत्थर बनाने होते हैं नहीं चलो बनाते आ जाओ मम्मी यहाँ पे बनाते हुए 3 उन्होंने बना लिए 5 बनाने होते हैं उससे क्या होती है इच्छा पूरी जो हो मन में आपकी मंदिरों के पास बनाते हैं अच्छा चलो 3 बन गया है 4 और ये 5 अरे वाह मम्मी आपकी इच्छा पूरी हो जाएगी आपको IPO लग जाएगा दोनों के दोनों और यहाँ पे अंजलि अपनी इच्छा पूरी करते हुए तू क्या इच्छा कर रही है जल्दी से जल्दी ये वायरस चला जाए और हम इंटरनेशनल ट्रैवल करें ऐसा जिंदगी में कुछ नहीं और मेरे मतलब चलो 5 बनाओ चलो 1, 2, 3 4 और ये डेडली सब 5th ढूंढते हुए ये ले और ये 5 अंजलि जी आपकी इच्छा हो गई पूरी अगर हो जाए तो मैं बताना व्लॉग में अरे पक्का जब मैंने ये प्लेस के बारे में गूगल किया था फ्रेंकली मुझे इतना आइडिया नहीं था कि इतना अच्छा होगा मैंने 1-2 वीडियोस देखे थे बहुत ही कम वीडियोस थे इस प्लेस के और डेफिनेटली अगर आप गुजरात अहमदाबाद में या फिर गांधीनगर बड़ौदा किसी भी आसपास के शहर में रहते हैं तो डेफिनेटली आपको ये प्लेस विजिट करना चाहिए बहुत ही अच्छा है बहुत ही शांत है फैमिली के साथ डेफिनेटली आप आइए बहुत आपको मज़ा आएगा और ये गांधीनगर से कुछ 145 किलोमीटर दूर है तो 2-2.5 hours जितना लगेगा रोड है वो काफ़ी अच्छी है बहुत ही अच्छी रोड है गांधीनगर से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है बस जब यहाँ से थोड़ा एंटर करते ना अंदर तो 4-5 किलोमीटर है तो थोड़ा सा रफ रास्ता है बट कार बाइक में आपको कोई इश्यू नहीं होगा डेफिनेटली विजिट दिस प्लेस और एक दिन का पूरा टाइम लेके आए क्योंकि आसपास भी 1-2 जगह और है जो हम अभी विजिट करने वाले हैं तब वो भी विजिट कर सकते हैं और यहाँ से नीचे उतरते ही सामने एक कुंड जैसा कुंडी बोलते हैं ना इसे क्या बोलते हैं मम्मी मम्मी तो होश में ही नहीं है
मम्मी जिंदा हो आप? हाँ मस्त जिंदा हूँ। तो पूछ रहा हूँ आपसे कुछ? नहीं जिंदा हूँ मस्त। क्या क्या बोल रहे, क्या बोलते इसे? कुंड? हाँ। कुंड इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। वहाँ से नहा के लोग यहाँ से निकलते होंगे। यहाँ पे या तो कुश्ती होती होगी या फिर लोगों की शादियाँ, लोगों की शादियाँ होती होंगी। अभी पानी आ गया होगा, अब जब खाली है तो पानी आएगा ना, पहले नहीं आता होगा। मम्मी अपनी थियरी लगाते हुए ये जो कुंड में वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे पानी भरते थे और वहाँ से पूरे जो आसपास के लोग रहते थे वो पानी भरते थे। अच्छा, आप कौन सी सदी? और प्लीज मुझे धक्का देने की जरूरत नहीं है। और इस कुंड में मम्मी को धक्का देते हैं हम फिलहाल के लिए, जो घटिया थ्योरी लगा रही थी हमारे ब्लॉग में झूठ फैलाने के लिए, यही जिम्मेदार है। मैंने अच्छी बताया था, तुम लोगों ने बाद में पढ़ लिया तो मैं क्या करूं? मैंने अच्छी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई थी, अच्छा झूठ बोला था। तो ये था पूरा कालेश्वरी टेम्पल, हमने अच्छे से कवर कर लिया। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अभी हम चलते हैं हमारे दूसरे डेस्टिनेशन में, जो कि है वाटरफॉल। पूछना पड़ेगा, मुझे भी एग्जैक्ट नहीं पता कहाँ पे आता है। मैंने एक वीडियो में देखा था कि वाटरफॉल यहाँ से नज़दीक है, तो अब चलते हैं वहाँ की ओर। अब शायद ये वीडियो लंबा बनेगा तो मैं इसके दो पार्ट बना दूंगा, तो यहाँ तक ही होगा फर्स्ट पार्ट, आई एम नॉट श्योर। आपको टू बी कंटिन्यू मिल जाएगा। अगर ऐसा होगा तो मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, नए हो सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन, ताकि जो नेक्स्ट ब्लॉग लाए उसकी सबसे पहले आपको अपडेट मिले। एंड विल सी यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।